वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं शहबाज आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कूलर के हनीकॉम पैड्स को किस तरह से क्लीन किया जाता है प्रॉपरली। दोस्तों, इनका जो लाइफ होता है वो तकरीबन 5 से 6 साल होता है। अगर दोस्तों इनका मेंटेनेंस किया नहीं जाए तो एक तो इनकी कूलिंग कम हो जाती है और साथ में जो लाइफ है वो मैक्सिमम 2 से 3 साल ही बच पाती है। दोस्तों, मैंने इस कूलर को इसी सीज़न के अंदर परचेज़ किया था और लास्टली आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, बहुत सारी धूल मिट्टी जम चुकी है। और साथ में दोस्तों, जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पानी में फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड काफ़ी मात्रा में जम जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ऐसे दोस्तों जगह जगह ये पैड फ्लोराइड से सीज हो जाता है। अभी दोस्तों हम इसको क्लीन करने के लिए नमक का तेजाब इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, 20 रुपये का एक बोतल आता है। दोस्तों इसकी क्लीनिंग के लिए आपको तकरीबन 1.5 बोतल की ज़रूरत होगी। अभी दोस्तों हम हमारे हनीकॉम पैड की क्लीनिंग की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पहला स्टेप है आपका दोस्तों, आपको आपका जो हनीकॉम पैड है उसको पूरी तरह से भिगो लेना है। अभी दोस्तों आपको इसके ऊपर पानी डालना है और जितना भी आपका पैड है सभी के ऊपर आपको पानी डालना है ताकि वो पूरी तरह से भीग जाए। दोस्तों अच्छे से डालना है ताकि वो प्रॉपरली, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी तरह से पूरा आपका भीग जाना चाहिए। इसे प्रॉपरली भिगोने के लिए दोस्तों फ्रंट साइड पर भी पानी डालें और दोस्तों जो उसका बैक साइड है उस पर भी पानी डालें, साथ में टॉप से भी पानी डालें। यानी कि दोस्तों पूरी तरह से सिर्फ आपको भिगो लाना है, सीधी बातों में मैं आपसे कहूँ तो ये तो आप कर ही लोगे आसानी से। और भिगोने के बाद में दोस्तों आपको अगला प्रोसेस क्या करना होगा, आपको जो पैड है उसे रख देना होगा तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि दोस्तों जो उसका पानी है वो बिल्कुल निकल जाए। लेकिन दोस्तों पानी निकल जाना चाहिए लेकिन जो पैड के अंदर नमी बनी होती है वो नमी नहीं निकलनी चाहिए, नमी बनी रहनी ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आपको पैड को सुखाने के लिए इतने टाइम के लिए रखना है कि वो पानी उससे टपकना बंद हो जाए। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पेड़ को भिगोकर कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों अभी ये मेरा पैड है जो कि हनीकॉम पैड है वो प्रॉपरली भीग चुका है और दोस्तों मैं इसे अभी सूखने के लिए रख देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास नमक का तेजाब है। अभी दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये तेजाब है और ये हनीकॉम पैड है। तो दोस्तों ये बहुत ही हाई क्वालिटी के पेपर से बना होता है जो कि दोस्तों इस नमक के तेजाब से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो सबसे पहले आपको बोतल लेना है जिससे भी आप क्लीन करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 2 बोतल परचेज करके लाया था मार्केट से। यहाँ पर दोस्तों जो इसका ढक्कन है टॉप, इस पर आपको एक छोटा सा छेद कर लेना है। तो यहाँ से दोस्तों मैं ड्रिल करके इसमें एक छोटा सा छेद कर लेता हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, जब हम एसिड को पैड पर डालेंगे तो वो प्रॉपरली अच्छे से डल जाएगा और वेस्टेज कम होगा। तो आपको इस तरह से डालना है। सबसे पहले दोस्तों आप हनीकॉम पैड की टॉप को कवर करें, यानी कि उसके ऊपर से तेजाब डालें, न कि दोस्तों नीचे से। आप एक बार ली प्रॉपरली उसकी टॉप को कवर कर लें, यानी कि जो ऊपर की साइड है उस पर इस तरह से तेजाब डालें। जब दोस्तों आप ऊपर की टॉप को प्रॉपरली कवर कर लें, इसके बाद दोस्तों एक साइड से आपको कंप्लीटली इस तरह से तेजाब डालते हुए चलना है। दोस्तों आपको बोतल का जो प्रेशर है उसे थोड़ा दबा कर रखना है ताकि जो हमारा प्रेशर है तेजाब का वो हनीकॉम के पेड़ के होल के अंदर तक जा सके। अभी दोस्तों आपको पूरे पेड़ को कवर करना है, कहीं से भी आपसे रह ना जाए। तो आपको इसी तरह से फुल नीचे तक, यानी कि पूरे पेड़ को एक साइड से तेजाब से कवर करना है, यानी कि इस तरह से डालना है। अभी दोस्तों हमने एक साइड से तो डालकर कंप्लीट कर दिया, हम आ जाते हैं अभी दूसरी वाली साइड में। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, यदि हम एक साइड डालते हैं तो प्रॉपरली जो पैड है वो दोस्तों तेजाब से कवर नहीं हो पाता है, तो हमें एसिड दूसरे साइड भी डालना है।
आप दोस्तों बोतल को थोड़ा ना ऐसे दबा कर रखिए ताकि जो प्रेशर से तेजाब निकले। अभी अगर प्रेशर होगा थोड़ा तो वो होल को अंदर तक जाएगा और वो प्रॉपरली उसे कवर करेगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसकी फुल साइड डालकर इस तेजाब को कंप्लीट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आधा तो पैड क्लीन कर दिया और हमारा बोतल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हम अब दूसरा वाला बोतल ले लेते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया एवरेज के अनुसार इतने बड़े पैड की क्लीनिंग के लिए आपको 1.5 लीटर तेजाब एसिड लग जाता है। अभी दोस्तों ये तो आपके पैड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका हनीकॉम पैड कितना बड़ा है। तो चलिए दोस्तों हमारा बाकी आधा हिस्सा रहा था उसे भी हम एसिड से कवर करते हैं। आपको इस तरह से प्रॉपरली डालना है, कहीं से भी आपसे रह ना जाए। तो चलिए दोस्तों इसे डालकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा हमने फुल एसिड डालकर कंप्लीट किया। हमारा हनीकॉम पैड हमने प्रॉपरली जिस तरह से स्टार्ट में पानी से भिगोया था 10-15 मिनट उसे रख दिया, उसके बाद हमने प्रॉपरली हनीकॉम पैड के ऊपर नमक का तेजाब एसिड डाला। और दोस्तों इसे अभी आपको रख देना है 20 मिनट के लिए, यानी कि दोस्तों अभी आप इसे कुछ भी छेड़खानी नहीं कीजिएगा, सिर्फ इसे सूखने के लिए रख दीजिएगा। ये सूखेगा तो नहीं, लेकिन दोस्तों जो इसका आपका फ्लोराइड होता है, धूल मिट्टी या फिर आपके होल्स जो रुके होते हैं वो प्रॉपरली इतने तक चालू हो जाएंगे। अभी दोस्तों हम 20 मिनट बाद की प्रोसेस देखते हैं। अभी जिस कंडीशन में हमारा पैड है अब हमें इसे साफ पानी से बिल्कुल क्लीन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अभी हम नॉर्मल वाटर लेते हैं और इसे क्लीन कर लेते हैं, यानी कि इसके ऊपर हमें पानी डालना है, थोड़ा प्रेशर से डालना है ताकि जो कि हमारा एसिड है वो बिल्कुल धुल जाए। अभी दोस्तों फ़िलहाल अब आप पानी डालकर इसे कंप्लीट करोगे आपका एसिड तो निकल जाएगा, इसी के साथ ही जो कि आपकी धूल मिट्टी आपका फ्लोराइड था जो लगा हुआ था वो भी हट जाएगा, जो आपके होल्स फ्रीज थे वो भी हट जाएंगे। तो दोस्तों ये तो आसान सी प्रक्रिया थी हनीकॉम पैड्स को क्लीन करने की। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ से इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना। देखिए दोस्तों अभी हमारा पैड फुल क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हो प्रॉपरली सारे होल्स आप आर पार देख पा रहे हो सभी हैं। और साथ में दोस्तों जैसे कि जगह जगह जो फ्लोराइड जमा हुआ था फिलहाल वो सब निकल गया है, आप देख सकते हो प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों इस आसान तरह से आप हनीकॉम पैड्स को क्लीन कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप इस तरह से देखो धूप में रखकर आप इसकी परछाई में इसे अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे ऑल होल्स बिल्कुल ही क्लियर हैं। तो दोस्तों इस आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को पसंद करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। शुक्रिया।